ऐसा दूर दूर तक कोई संभावना हमको नहीं लगता है। जितना सम्मान एनडीए में उनको मिला है, उनको सम्मानजनक समझौता, उसके बाद वो मुकेश से वीआईपी सुप्रीमो चुनाव भी हार गए, उसके बावजूद भी एमएलसी बना के उनको मंत्रिमंडल लगाया, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं से टूट के ऐसे दूर दूर तक कोई संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। लंबे अरसे बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौट आए हैं। आते ही सरकार के ऊपर वो हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि लालू यादव यानी कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जल्द पटना लौटेंगे, लेकिन जो कयास हमेशा लगाई जा रही है बिहार में कि एनडीए की सरकार गिर सकती है, जीतनराम मांझी मुकेश सहनी कभी भी बगावत कर सकते हैं, क्या लालू यादव के पटना आने के बाद कुछ बड़ा खेला होगा? मेरे साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद हैं। सर, लालू यादव पटना आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि आ रहे हैं, क्या कुछ बड़ा खेला लालू यादव आते करेंगे बिहार में? देखिए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और कहीं से कोई टूट नहीं होने जा रही है। जहाँ तक तेजस्वी यादव का पटना पहुँचना, चाहे लालू जी का पटना पहुँचना, एनडीए पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और अभी आने वाला समय में लोकसभा के आप देखेंगे तो अभी चुनाव का 3 साल है, विधानसभा का अभी देखेंगे तो लगभग 4.5 साल से तक में है, तो बिहार में तो दूर दूर तक कोई चुनाव भी नहीं है, तो कहीं भी हैं। अभी देखिए, बिहार की जनता में क्या है कि सभी हमेशा जनप्रतिनिधि को खोजते रहते हैं, और जब खासकर जब आपदा का काल आता है तो उस समय सारे बिहार की नज़र रहते हैं कि हमारी जनप्रतिनिधि हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में तेजस्वी यादव कहीं दिखते नहीं हैं, और हमेशा चाहते हैं कि किसी तरह से एनडीए में तोड़ लें हम जी। दो दल खासकर हम उनका टारगेट में है, लेकिन हमको कहीं से दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है। मांझी जी का भी बार बार बयान आ रहा है, कहीं से एनडीए में टूटने की कोई संभावना नहीं है। बिहार एनडीए मजबूत है और नीतीश जी के नेतृत्व में इस बार बिहार एक नया मुकाम हासिल करेगा। लेकिन सर, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी के बयान से ऐसा लगता है कि वो कभी खटपट या नाराज नज़र आते हैं, और तेजस्वी यादव आरजेडी की निगाहें उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, कभी भी जा सकते हैं छोड़ करके आप? नहीं, ऐसा दूर दूर तक कोई संभावना हमको नहीं लगता है। जितना सम्मान एनडीए में उनको मिला है और जिस समय वो कुछ नहीं थे उस समय एनडीए में शामिल करा के और सम्मानपूर्वक जितना भी सीट मांगे उस समय सीट भी, चूँकि जीतनराम मांझी का गठबंधन जदयू का साथ था और वीआईपी का मेरे साथ था, तो सम्मानजनक समझौता, उसके बाद वो मुकेश से वीआईपी सुप्रीमो चुनाव भी हार गए, उसके बावजूद भी एमएलसी बना के उनको मंत्रिमंडल लगाया, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं से टूट के ऐसे दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। जो भी लगा रहे हैं सब सिर्फ ख्याली पुकाव बना रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, ऐसे दूर दूर तक कोई संभावना। तेजस्वी यादव आरोप नीतीश कुमार के ऊपर लगे कि हमेशा जोड़ तोड़ के काम करते रहते, जब से चुनाव इस बार हुई है तब से नीतीश कुमार इसी काम में लगे हुए हैं, और लोजपा को भी तोड़ने का हाथ नीतीश कुमार का है। नहीं, नीतीश जी के पास उतना टाइम भी नहीं है कि ये सब तरह के राजनीति करें। नीतीश जी का जैसा छवि आप जान रहे हैं, ईमानदार, सज्जन और हर तरह से एक मतलब पूर्ण जो नेता कहा जाए, तो ऐसे में माननीय नीतीश जी हैं, और हमको नहीं लगता है। एक तो होता है कि सरकार अगर दबाव में रहे तब आदमी ऐसा सोच सकता है, लेकिन लोजपा में तो विधायक भी नहीं है, जो भी हैं तो 5 सांसद हैं, उनके एक विधायक थे तो अभी सर्वसम्मति से जदयू ज्वाइन कर लिए, तो हमको वहाँ क्या लगता है। दूसरी बात की जो केंद्र की राजनीति है उसमें उतना इंटरेस्ट भी माननीय मुख्यमंत्री नहीं रखते हैं। कहा जा रहा है सर कि मंत्रिमंडल को लेकर के बीजेपी और जदयू में थोड़ी सी खटपट हो गई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली आए हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री से उनको मिलना भी है, जिस दिन मिल लेंगे उस दिन सारा क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा कोई। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।